हाय, मैं हूं जफर रशीद फ्रॉम महमूदपुरा कुंजर। मैं आया हूं आज रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे, तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताने के लिए यहां पे आया हूं आज। तो मैंने जब मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था तो मैं तब पढ़ता था 10th में, लेकिन हमारे गांव में एक छोटा सा गांव है तो वहां पे उतना इन्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ का, फिटनेस का, मार्शल आर्ट्स का। तो फिर मैंने मैं इंस्पायर हुआ हूं ब्रूस ली की, जो कि मूवीज़ में देखता था, ब्रूस ली और विजिट जमाल जो के उसकी मूवीज़ देख कर मैं इंस्पायर हुआ हूं। तो उसके बाद मुझे कोच या क्लब कोई नज़दीक नहीं था, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था खुद से ही। तो फिर ये चीज़ पता नहीं थी कि ये मार्शल आर्ट इतने इतना आगे ले जाएगा मुझे। तो मेरी जो कि ट्रेनिंग प्रोसेस रहती है, तो मैं सुबह उठ के पहले नमाज़ पढ़ता हूँ, तो नमाज़ के बाद 1-2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम आता है, तो ब्रेकफास्ट करके फिर जो घर का काम होता है या पढ़ाई थोड़ी सी करता हूँ घर का काम। तो उसके बाद जो कि प्रोसेस रहती है नमाज़ के बाद मैं जिम चला जाता हूँ, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ जिम की, वेट ट्रेनिंग की, और फिर उसके बाद कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस करता हूँ, बॉडी वेट की प्रैक्टिस करता हूँ घर में। और जो मैंने ये मार्शल आर्ट सीखा है, तो ये मैंने विदाउट एनी कोच सीखा है और विदाउट एनी क्लब सीखा है, क्योंकि वहाँ पे उतना नज़दीक में मेरा क्लब नहीं है और इक्विपमेंट्स की इक्विपमेंट्स भी नहीं है, और वो प्रॉपर प्लेस भी नहीं है जहाँ पे हम प्रैक्टिस करें। अगर कभी बारिश होती है या बर्फ होता है तो उस टाइम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो मैं आज जो कि परफॉर्म कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं पहले कैलिस्थेनिक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, थोड़ी सी कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस करता हूँ। कैलिस्थेनिक्स क्या होता है, बॉडी वेट एक्सरसाइज। जिम में जब आप जाते हैं वहाँ पे हम बॉडी बनाते हैं वेट के साथ, तो यहाँ पे अपनी बॉडी वेट के साथ हमें अपने मसल्स को ट्रेन करना होता है। और जो कैलिस्थेनिक्स है एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, वर्कआउट एक्सरसाइज है, तो एक बढ़िया आर्ट है, क्योंकि इससे हमारी मेंटली भी फिट रहते हैं और फिजिकली भी फिट रहते हैं, और इससे बॉडी की स्ट्रेंथ जो कि बहुत बढ़िया बढ़ती है। और मैं सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को ट्रेन करता हूँ। लास्ट में मेरी यूथ से, सोसाइटी से यही मैसेज रहेगी कि ड्रग्स से दूर रहो, क्योंकि आजकल सोसाइटी में ड्रग्स, कश्मीर में ड्रग्स आम हो रहा है, तो इसलिए ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। तो लेट्स मेक अ ड्रग फ्री कश्मीर, एंड हम ड्रग को कन्वर्ट करेंगे इनटू फिटनेस। और जो भी सपोर्ट आपको पसंद है, फेवरेट है, तो उसमें जाओ, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, क्योंकि जब आपके दिमाग में सपोर्ट्स आएगा तो जो कि गलत चीज़ें वो खुद ब खुद दूर जाएंगी आपके दिमाग से।